Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your SST books and open page number 20. Okay, so on page number 20, first of all, write date and day. Today is 13/7/2020. Write classwork and the day is Tuesday. Okay, हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 5 अबाउट डिसिप्लिन, मीन्स रूल्स को फॉलो करना. आपका बिहेवियर कैसा है, ये क्या है आपका डिसिप्लिन. ठीक है, सो आज हम उसकी एक्टिविटी करने जा रहे हैं. एक्टिविटी नंबर 5, फर्स्ट आपकी क्या है, ट्रू फॉल्स. पुट अ टिक मार्क ऑन द राइट एंड द क्रॉस ऑन रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, जो सही बात लगती है उसके आगे टिक और जो फॉल्स है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस. ठीक है, नंबर 1 क्या है, यू शुड मेक अ क्यू व्हेन यू गो टू द कैंटीन. यू शुड मेक अ क्यू यानी आपको लाइन बनानी चाहिए. क्यू मीन्स लाइन बनानी चाहिए. व्हेन यू गो टू द कैंटीन, जब आप कहाँ जाएँ, कैंटीन. तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही कि जब भी आप कैंटीन जाएँ तो आपको हमेशा लाइन में रहना चाहिए. सो हमने क्या लगा दिया, टिक. यू शुड गेट अप फ्रॉम द बेड, आपको बेड से उठना चाहिए. अर्ली इन द इवनिंग, शाम को. इवनिंग मीन्स शाम को आपको उठना चाहिए. नो, हमें सुबह सवेरे बेड से जल्दी उठना चाहिए. ठीक है, ये एक लाइन है ना, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, ना कि पूरा दिन सोए रहें और शाम को उठ जाएं. तो ये बात क्या है, क्रॉस. दोज हु फॉलो रूल्स क्रिएट प्रॉब्लम्स. वो, दोज मीन्स वो फॉलो रूल्स, जो कि रूल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, हर जगह कोई ना कोई रूल आपका लाजमी होता है. वो लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं क्रिएट प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम मीन्स मसाइल. वो मसाइल पैदा करते हैं किसी दूसरों के लिए. नो, क्या हो जाएगा, क्रॉस. पार्ट नंबर 4, यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स व्हेन यू प्ले. मैंने आपको बोला था कि हर जगह जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम का कोई ना कोई रूल होता है कि आपने ये काम ऐसे करना है. अब उन्होंने कहा है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेम के भी कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप जब गेम खेलें तो आपको गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए या नहीं. ये आप चीटिंग करते रहें कि आप आउट हो गए तो आप गेम में आउट नहीं हुआ. नो, ठीक है, आप गेम खेलें तो आपको गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए. टिक. नेशंस विच हैव ऑब्जर्व डिसिप्लिन हैव बिकम हैप्पी. नेशन मीन्स कौम, कौमें. ठीक है, जैसे हम कौन सी कौम है, पाकिस्तानी कौम. वो कौमें जो कि डिसिप्लिन फॉलो करती हैं, ऑब्जर्व मीन डिसिप्लिन को फॉलो कर रही हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुशहाल. वो वक्त पर काम कर रही हैं, वक्त पर हर चीज़ हो रही है, तो हर तरफ क्या होगा, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, सो एवरी वन विल बी हैप्पी. सो ये क्या आ गया, टिक. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेज पार्ट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ योर क्लास. एवरीवन हैज क्लासेस सम रूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू योर क्लास. अब उन्होंने कहा अगर आप क्लास में आते हैं तो क्लास में भी आपके कुछ रूल्स हैं. ठीक है, हर क्लास के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, और वो कौन से रूल्स हैं जो क्लास में फॉलो करने चाहिए. ठीक है, स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम. जब भी टीचर क्लास में एंटर होती है, आती है, तो आप हमेशा क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं आप. गुड. ठीक है, एक ये रूल नंबर 1 है. से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम. आप खड़े होने के बाद टीचर को उसके बाद क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून. क्लास में तीसरा रूल क्या है कि आपको नेवर मेक नॉइज़ इन द क्लास. कि अगर टीचर मौजूद है या नहीं है तो आपको क्लास में श्योर नहीं करना चाहिए. ओके, रूल नंबर 4, आस्किंग परमिशन फ्रॉम द टीचर इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट. कभी आपने देखा है कि अगर हमने बाहर जाना है तो हम टीचर को बगैर बताए जा रहे हैं. नो, अगर हमें कहीं जाना होता है एज अ स्टूडेंट तो आप हमेशा टीचर से क्या लें, परमिशन लें. आस्क परमिशन फ्रॉम द टीचर बिफोर एंटरिंग द क्लास. और अगर आपने क्लास में वापस आना है तब भी आप क्या लें, टीचर से परमिशन लें, डेट मैम मे आई कम इन. ओके, रेज यू हैव इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक द टीचर. आपको ये बात, आप देखें अगर आप क्लास में कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप हैंड रेज के बगैर कोई भी बच्चा कहीं से बोल रहा है तो क्लास में क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया. तो उन्होंने कहा है अपना हाथ रेज करें जब आपको क्या करनी हो, टीचर से बात करनी हो. कीप द क्लास की तीसरी बात क्या है, आपको हमेशा बताया जाता है कि अपनी क्लास को क्या रखें, साफ रखें. आर देर एनी अदर रूल्स, एड देम टू द लिस्ट. इसके अलावा और क्लास में आपको टीचर क्या बताती है कि आपने क्लास में कैसे बैठना है, आपने क्लास में शोर नहीं करना, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ अच्छे से बात करनी है. ठीक है, अगर आपने उनसे कोई चीज़ ली है तो आपने उनको वापस भी करनी है. तो आप इसके अलावा और क्या रूल्स हैं, आपने ये खुद 3 रूल्स लिख के मुझे इसकी पिक्स व्हाट्सएप करनी है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, डू यू हैव स्पेसिफिक रूल्स व्हेन यू आर. अब आप किसी और जगह पर जाएँ, ठीक है, उस जगह पर कौन से रूल्स हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. वॉचिंग टेलीविजन, यानी अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसका क्या रूल है.
रूल क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इस रूल आपको ये बताया गया है, इम्पोर्टेंस मीन्स उसकी क्या ख़ास बात है, ठीक है, उसकी क्या ख़ास बात है। रूल्स, वॉच दोज प्रोग्राम्स विच गिव्स नॉलेज, आपको टीवी में वो प्रोग्राम्स देखने चाहिए जिससे आपको क्या मिले, नॉलेज मिले, क्या मिले, नॉलेज। अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे तो क्या होगा, इम्पोर्टेंस मीन्स इसकी क्या खासियत होगी। गुड एंड हेल्दी प्रोग्राम्स इंक्रीज आवर नॉलेज, इससे हमारी नॉलेज में क्या होता है, इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल हम जियोग्राफिक चैनल्स देखें, हम दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, तो इससे हमारी नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज। या आप ये लिख सकते हैं कि हमें इसका रूल एक दूसरा ये बताते हैं कि आप जब भी टीवी देखें तो आप हमेशा थोड़े से दूर बैठ के देखें, उसके बिल्कुल टीवी के पास ना देखें। इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे आपकी आई साइट हार्म हो सकती है, आपकी आइज पे असर हो सकता है, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी में क्या रूल है कि पहली बात लाइब्रेरी में बातें नहीं होती, नेवर टॉक व्हेन यू आर इन लाइब्रेरी, जब भी आप लाइब्रेरी में हों तो बातें मत करें। इसकी क्या ख़ास बात है, क्योंकि लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए खामोशी होना ज़रूरी है वरना हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। कीपिंग क्वाइट इन लाइब्रेरी गिव्स टाइम टू कंसंट्रेट ऑन द बुक वी आर रीडिंग, अगर आप लाइब्रेरी में क्या होते हैं, खामोश रहते हैं, तो हमें क्या टाइम मिलता है, टाइम मिलता है ताकि हम बुक्स को रीड कर सकें जो कि हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेट मीन्स ध्यान से बुक्स को पढ़ सकें। अब आ जाते हैं कमिंग आउट फ्रॉम द क्लास, अगर आपने क्लास से बाहर जाना है तो इसका सबसे पहले रूल आपको हमेशा के लिए पता है कि आपने टीचर से क्या लेनी है, परमिशन, आस्क परमिशन फ्रॉम द टीचर, टीचर से क्या लें, इजाज़त। अगर आप टीचर से इजाज़त लेंगे तो आप क्लास में क्या रहेगा, डिसिप्लिन, दूसरा बच्चा भी जाएगा वो भी क्या लेगा, टीचर से परमिशन। आस्किंग परमिशन फ्रॉम द टीचर विल मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, तो क्लास में क्या रहता है, डिसिप्लिन रहता है। इन द पार्क, यानी अगर आप पार्क पे जाते हैं, ठीक है, पार्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स मौजूद होते हैं, तो पहली बात आपको फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स जो है वो पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, तो आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। क्यों, इफ़ यू प्लग द फ्लावर्स द ब्यूटी ऑफ पार्क विल बी रियूंड, रियूंड मीन्स ख़राब या तबाह। अगर आप फ्लावर्स को तोड़ेंगे, ठीक है, तो पार्क की खूबसूरती क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। या आप इस पे ये लिख सकते हैं कि आपको पार्क में जो रैपर्स हैं वो डस्टबिन में गिराने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर तरफ अगर रैपर्स ही गिरे होंगे तो इससे पार्क क्या है, पार्क की खूबसूरती में खूबसूरती कम हो सकती है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये पेज नंबर 21 और पेज नंबर 20 अपनी बुक्स पे उतार लेना है, ठीक है, ये 3 आपके होमवर्क हैं। आप लोग ये करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़।